सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज राहुल श्राप से ग्रस्त। ए लड़की, मुझ पर उंगली उठाने की जुर्रत भी मत करना। जुर्रत करूंगी पापा, आपने आज तक मुझसे ये बात छुपा के रखी। मैं रोती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही, मैंने भीख मांग ली, लेकिन आपने मुझे आज तक ये बात नहीं बताई। अपने घर जाओ मानवी, डिवोर्स ले लो राहुल। पागल हो गई हूँ मैं राहुल, दिमाग खराब था मेरा, लेकिन अब दिमाग ठीक होना शुरू हुआ है। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत समझ लिया, लेकिन अब तुम सुनोगे। तुमने शादी की है मुझसे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं बीवी हूं तुम्हारी, तुमने शादी की है मुझसे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाऊंगी। जानवर बन गए हो ना तुम, तो मैं भी बंगाली हूँ, काली माँ की भक्त हूँ मैं। लड़ूंगी मैं तुम्हारी श्राप की शक्ति से, मर जाऊंगी पर डर के हारूंगी नहीं। देख देख कौन जीतता है, मैं या तुम्हारी श्राप की ताकत। राहुल, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? अपने घर में भला कोई गेस्ट रूम में भी बैठता है क्या? चलो चलो, हम अपने कमरे में चलते। चलो राहुल। तुम पागल या फिर बेवकूफ होने की एक्टिंग कर रही हो? इस रूम भी फेक है। राहुल, बाबा को उमा से बाहर रख। ये कब हुआ? हाँ, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, कब से होश में आ गए वो? कहाँ है? हॉस्पिटल में कि घर चले गए? क्या बोला उन्होंने उठ के? मैं कब से तुमसे मिलना चाहता। खुशी हुई जान के बाबा उमा से बाहर आए। तुम जाओ मिलो उनको, मैं नहीं जा सकता। राहुल, बाबा तुमसे मिलना चाहते। वो जब से कोमा से बाहर आए बस तुम्हारे ही नाम की रट लगा रखी। एक ही बात कहती कि मुझे राहुल से मिलना, मुझे राहुल को देखना है। राहुल कहाँ है, राहुल कैसा है, क्या बोलूं उन्हें? राहुल आपसे नहीं मिलना चाहता। तो चल, अब उठो। मेरी सारी सच्चाई जानते हुए भी तुम मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए रखना चाहते हो, क्यों मानवी? मेरे साथ रहने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। सॉरी मानवी, आई वोंट लेट यू डू इट। मैंने कहा ना, चलो। बहुत बोलिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब इस घर से मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चलो। देखिए ना मम्मी जी, आपके लाड प्यार ने आपके बेटे को कितना बिगाड़ दिया है। मेरी बात ही नहीं मान रहा। मैंने तो सिर्फ इसे इतना कहा है कि मुझे लंच के लिए बाहर ले जाए, अब क्या मैं इसके साथ लंच पे भी नहीं जा सकती? अब आप ही समझाइए इसे। बिल्कुल बेटा, तुम्हें पता है बेटा, जब तुम यहां नहीं थे ना, तो इसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। उपवास रखा, सारा दिन पानी नहीं पिया, सिर्फ इंतजार करती रही कि तुम कब आओगे घर। इसलिए अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इसकी बात मानो। जाओ, लेके जाओ उसे। ले जाओ इसे बाहर, जाओ। बीवी की बात तो तुमने मानी नहीं, अब कम से कम अपनी माँ की बात तो मान लो। चलो चलो राहुल, अब तुम्हें चलना होगा। चलो चलो राहुल, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है सुबह से बाबा के कितने फोन आ चुके हैं, वो बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि राहुल कब आएगा। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए व्हाइट शर्ट निकालती। क्यों प्रिटेंड कर रही हो तुम? क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम्हारे बाबा को मिलने जाऊं? रियलिटी में वापस आओ, यहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अपनी हालत देखो, देखो अपने आप को। ये सब मैंने किया है,
तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं और उन्हें बताते कि ये सब मैंने किया, उनके दामाद ने किया था उनकी बेटी के साथ, राइट? चलो लेट्स गो। राहुल, हम बाबा को कुछ नहीं बताएंगे। मैं उन्हें बोल दूंगी कि मैं गिर गई थी तो मुझे चोट लग गई। झूठ? किस किस से झूठ बोलोगी तुम, और कब तक खुद से झूठ बोलोगी तुम? मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है, खत्म हो चुकी है मेरी जिंदगी। इस रिलेशनशिप में अब कुछ नॉर्मल नहीं बचा है। राहुल, मैं पागल नहीं हूं। मैं जानती हूं कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसका सॉल्यूशन ना ढूंढ पाए। तुम राहुल सब्र, तुम मेरे पति हो, और ये रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सब बातों में, किताबों में, फिल्मों में ऐसा लगता है। मेरी जिंदगी की असलियत कुछ और है मानवी, एक खूंखार जानवर हूं मैं। राहुल, नहीं राहुल, श्राप वो था जो मुझे लगा कि मुझे मिला है तुमसे शादी करके एक ऐसे रिश्ते में बंधा जिसमें कोई खुशी ना हो, एक दूसरे से प्यार ना हो, एक ऐसे इंसान से शादी करना जिसने मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की। लेकिन अब जब मेरे बाबा होश में आ गए तो मुझे सच्चाई का पता चल गया, तो मुझे पता चला कि तुमने मुझे एक श्रापित जिंदगी से बचाया था। अगर मैं सुजॉय से शादी कर लेती तो पता नहीं मैं कहाँ होती, मैं किस हाल में होती। तुमने उस वक्त मेरी मदद की, तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? मैं तुम्हारा साथ दूंगी राह। ये कोई बुरा वक्त नहीं है मानवी, ये एक बुरी लाइफ है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो पहले था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। ये एक श्राप है, एक जिंदगी का कड़वा सच, एक भयानक सच जिससे कोई नहीं बच सकता, तुम भी नहीं। राहुल, तुम इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो? हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इस वक्त में तुम्हारे साथ हूँ राहुल, हम साथ रह के इसका मुकाबला करेंगे। तुम्हें ये सब आसान लग रहा है? नहीं, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे राहुल। मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हें, किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है मुझे। एक बात बताओ राहुल, क्या तुमने मुझसे शादी मुझ पे तरस खा के की थी? मैं कभी नहीं समझ पाई कि तुम मुझे सुजॉय से बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, या वजह कुछ और थी। मैंने इसलिए किया, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे ठीक लगा। वैसे भी मेरे डैड ने बाबा के साथ इतना कुछ, मैं बस तुम्हें सफर करता हुआ नहीं देखना चाहता। That's it. अच्छा, तुमने बाबा की खुशी के लिए किया ये सब? सुजॉय को बंदी बना के उसकी शेरवानी पहन के मेरे साथ सात फेरे लिए, बाबा की खुशी के लिए किया, अपने पूरे खानदान के खिलाफ गए, सारी सीमाएं पार कर दी और मुझसे शादी की। क्यों किया ये सब कुछ? मेरे बाबा की खुशी के लिए, या वजह कुछ और थी? रहा बोलो, क्या वजह थी इसकी? बताओ क्या वजह थी? राहुल, देखो ना, अब इतना बड़ा रॉकस्टार अपनी बीवी से मुंह छुपाएगा? मैंने कब मुंह छुपाया? तू मुझे छूके कब कि मुझसे शादी क्यों की? बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा खामोशिया। तेरी मेरी खाम
सकता है मानी। राहुल, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन हमारे बीच में तो कभी कुछ आसान नहीं रहा ना। हमारा अचानक से मिलना, अचानक से दोस्ती, फिर दुश्मनी और फिर हमारी शादी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम महसूस नहीं करते। इसी एहसास के खातिर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ राहुल। मुझे हमारे रिश्ते पर, इस शादी पर पूरा भरोसा। मैं तुम्हारी अर्धांगी, तुम्हारा आधा हिस्सा हूँ। मुझे अपने से दूर मत करो, मत करो मुझे अपने से दूर। दिलों में है खामोश उठता धुआं, खामोशियां आकाश है तुम उड़ने के, तुम भी मुझे खामोशियां एहसास है तुम्हें महसूस होती है क्या, बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा। देखो ना, तुमने फिर से मुझे बातों में लगा दिया। हम लेट हो जाएंगे राहुल, तुम जाके नहा लो वरना बाबा के चिल्लाने की आवाज तो यहां तक आ जाएगी। मैं कपड़े निकालती हूँ तुम्हारे लिए। शिल्पा, हमको पहले से ही पता था ये हमारा जो राहुल है ना, वो मानवी के लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। कहे कि मानो भी बिल्कुल हमारे ऊपर गया, बिना सोचे समझे दिमाग चलना शुरू हो जाता है उसका। अब देखो क्या जरूरत है तुमको, तुमको दिखा नहीं इतना बड़ा गड्ढा, उसमें गिर गया, देखो कितना चोट लग गया तुमको। बाबा, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ, ध्यान रखना चाहिए, संभल के चलना चाहिए। लेकिन अब हमको कोई चिंता नहीं, ये राहुल जो है वो हमारा पास है, हम बहुत खुश हैं। क्या ये हम जानता है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए राहुल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो बेटा, तुम हमारा जान बचाया, इसके लिए हम तुमको शुक्रिया बोल सकता है, थैंक यू बोल सकता है, लेकिन तुम हमारा बेटी का जान बचाए, वो सुजॉय स्काउंडल क्रिमिनल, उससे तुम हमारा बेटी को बचाया। हम कितना भी तुमको शुक्रिया बोले, थैंक यू बोले, वो कम होगा बेटा। तुम हमारे लिए जो किया है ना, हम जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मानवी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी माँ। अच्छा राहुल, वो जो तुम्हारा जितना भी वो सब है ना, स्टेटमेंट वगैरह देना है, आई विटनेस तो हम है, जहां भी होगा, जहां भी बुलाएगा हम जाएगा स्टेटमेंट देने के लिए। माननी बेटा, सच बता, राहुल और तेरे बीच सब कुछ ठीक तो है ना? तुझे इतनी सारी चोटें कैसे लगी? तू मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? कुछ परेशानी है क्या बेटा? नहीं माँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैंने बताया ना आपको कि मैं फिसल के गिर गई थी, इसलिए ये सब चोटें लग गई। आपको पता है राहुल और मम्मी जी कितने परेशान हो गए थे मेरे लिए, ये सब बैंडेज, ये सब कुछ उन्होंने तो किया है। हाँ, ये बात सच है कि पहले थोड़ी गलत फहमियाँ जरूर थी, लेकिन जब से बाबा होश में आए और उन्होंने सारी सच्चाई बताई है, तब से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है माँ। जीती रे बेटा, खुश रहे, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अरे तुम दोनों माँ बेटी बाहर क्या घुसुर फुसुर कर रहा है? और मानो भी तुमको क्या हुआ, एक महीना हम कोमा में था तो तुम पार्टी बदल लिया। इधर आओ, इधर आओ। ऐसी कोई बात नहीं। देखो हम राहुल से क्या बोल रहा था, हम राहुल को यही बोल रहा था कि तुम बहुत किस्मत वाला है जो तुमको इतना अच्छा पति मिला। देखो राहुल, अब जो हो गया सो हो गया, हाँ सब भूल जाओ, तुम दोनों एकदम नया जिंदगी शुरू करो। लेकिन वो जो सुजो है ना स्काउंडल क्रिमिनल,
है? वो बचना नहीं चाहिए, उसको पूरा सजा मिलना चाहिए, वो सड़ना चाहिए जेल में, वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितनी नफरत आप सुजॉय से करते उससे कई गुना ज्यादा मुझे उससे नफरत। उसने आपको मुझसे छीनने की कोशिश की है बाबू, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी रास्ते में जाते हुए मैं पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ और कंप्लेन लिखवाऊंगी, पुलिस उसे सजा जरूर देगी बाबा। क्यों किया तूने मर्डर? सर मेरा यकीन कीजिए सर, सर मैंने किसी का खून नहीं किया सर, सर मैंने वो मालवीय के बाबा को धक्का धक्का दिया था सर। अच्छा सर, सर लेकिन सर वो मेरी सच्चाई जाके मालवीय को बता देता सर। सर सर मालवीय मुझसे शादी नहीं करती सर, मैं क्या करता सर? सर मैं सर राहुल राहुल से चिढ़ता हूँ सर, राहुल मुझे अच्छा नहीं लगता सर। उसकी मालवीय से शादी मैं नहीं देख सकता सर। सर 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 मैं तो मर्डर की रात वहाँ था ही नहीं सर। अच्छा तू वहाँ था ही नहीं? सर मैं तो होटल में था ना सर। अच्छा सर आपने चेक तो करवाया था सर? सर मैं उसके घर के आसपास भी नहीं था सर। झूठ, फिर से झूठ, फिर से झूठ। तुझे क्या लगता है बोलेगा और मैं सच मान लूंगा? अभी वक्त है सब सच सच बता दे, वरना ऐसे ही मारता रहूंगा, समझा? बोल सर। सर माँ कसम सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया सर, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए सर। बोल बोल, तू बोलता रहे। सर वो आपने तो खुद ही बताया था ना सर कि बोल नीरू की बॉडी पर किसी जानवर के पंजे के निशान थे सर। बिल्कुल हो सकता है शायद वो जानवर तू ही हो। ये मैं कैसे भूल गई, नीरू की बॉडी पर शेर के पंजे के निशान थे। कहीं नीरू उस शेर की पहली शिकार तो नहीं बनी? सर मैं कैसे जानवर हो सकता सर, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं सर। सर मैंने किसी का खून नहीं किया। तूने किसी का खून नहीं किया? तूने किसी का खून नहीं किया? गाड़ी में वापस बैठो, हम चल रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ, इंस्पेक्टर नहीं अंदर? अब नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम बाद में आके मिलेंगे, पहले घर चलते हैं। चलें। चलो राहुल चले यहाँ से। हे भगवान, क्या सही है और क्या गलत, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सही गलत तो नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि राहुल बेगुनाह है। शेर जब भी उस पर हावी होता है राहुल को कोई होश नहीं रहता, फिर जो भी होता है वो जानवर करता है, राहुल नहीं। लेकिन राहुल को बचाने का मतलब है उसके अंदर छुपे उस जानवर को बचाना। फिर क्या मुझे उसे बचाकर लोगों की जान खतरे में डालनी चाहिए? मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? डॉक्टर के पास चलना? अब नहीं राहुल, डॉक्टर के पास हम बाद में चलेंगे, पहले घर चले प्लीज। इंस्पेक्टर राहुल, मैं जैसे भी बोलती जाऊंगी ना हाँ करते जाना, कुछ और कहना मत किसी को। मानवीय अरे राहुल, मानवीय जी ये क्या हुआ, कितनी चोट? वो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए नई जगह पे गई थी तो रास्ते में गड्ढा था, फिसल गई, पता ही नहीं चला। अब मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। प्लीज टेक केयर। राहुल हाउ आर यू? अगर कहूँ कि बिल्कुल ठीक हो तो बुरा तो नहीं लगेगा? नो नॉट एट ऑल, मेरा तो काम ही यही है टू मेक श्योर कि सब आस पास ठीक रहे। राइट, और अपना काम काफी अच्छे से।
थैंक यू, कोशिश पूरी करता हूँ, पर इंसान हूँ, थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। वैसे आप लोग यहाँ तक आए और मिले बिना ही चले गए? वो आप ही से मिलने आ रहे थे वो, लेकिन मम्मी जी का अर्जेंट फोन आ गया, उनकी ना मेडिकल की रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी और सेंटर बंद हो जाएगा, तो रियली सॉरी, हम बाद में आके मिलते हैं आपसे, चले राहुल? चलिए, टेक केयर, बी सेफ। ऐसी कौन सी हड़बड़ी में आए थे दोनों, यहां तक आए भी और अंदर भी नहीं आए, ऐसे रंग क्यों उड़ा हुआ था चेहरे से, क्या वजह हो सकती है? मानवी जी कहीं राहुल को बचाने की कोशिश में झूठ तो नहीं बोल रहे? मर्डर, बॉडी पर पंजे के निशान, जानवर कहां से अटैक करेगा? कहीं किसी ने जानबूझ के तो ऐसे निशान नहीं बनाए, पर कौन करेगा ऐसा और क्यों?